नमस्ते, वेलकम टू योर हीरो चैनल। आज हम लोग एक मजेदार स्टोरी देखने वाले हैं। उससे पहले आपको मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी। अगर आपको एक ऐसा लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपको उनकी जायदाद मिल रही है, पर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, क्या उस जायदाद के लिए आप अपना नाम चेंज करोगे या नहीं करोगे? जरूर मुझे बताइएगा और अपनी एक्सपीरियंस को जरूर बताइएगा। अगर आपको वो जायदाद नहीं देता, आप क्या करोगे करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और स्टोरी ये है कि मिस्टर उर्जुल फिल्मरी करके एक स्टोरी है, मीन उर्जुल फिल्मरी, और इसके राइटर हैं ए माइनर। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं रिचर्ड मैरिटॉन, रॉबर्ट क्रॉनशॉ, उनकी वाइफ मार्गरेट क्रॉनशॉ, उनकी डॉटर वायला क्रॉनशॉ, और दो फरिश्ते होते हैं, वो हैं डेनिस क्लिफ्टन, एंटोनी क्लिफ्टन। ओके, स्टोरी कहाँ स्टार्ट होती है, मीन्स मिस्टर रॉबर्ट क्रॉनशॉ के टाउन हाउस में स्टार्ट होती है, और रिचर्ड आ रहा होता है मिस्टर रॉबर्ट को मिलने के लिए, और वहां पर वायला न्यूज़पेपर द टाइम्स पढ़ रही होती है अपनी सोफा में बैठकर। तो रिचर्ड आगे पीछे से वायला को आके बंद कर लेता है, तो वायला गेस करती है कौन होता है, तो ये बोलती है कि आर्च बिशप ऑफ कैटमबरी करके गेस करती है। फाइनली बोलती है कि रिचर्ड मैरिटॉन करके, ये दोनों एक लवर्स है, और वो दोनों अपनी बातें कर रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट आ जाते हैं। रॉबर्ट बोलता है कि फाइनली रिचर्ड तुम आ गए करके, गुड मॉर्निंग करके ग्रीट करते हैं, मीन सबको अपनी मॉर्निंग विश बोलते हैं। फिर मार्गरेट अपनी वाइफ को ढूंढते हैं, तो वायला बोलती है आपको मॉम चाहे तो मैं मॉम को बुला लेती हूँ करके। फिर ये दोनों अपनी पार्लियामेंट की मीटिंग्स डिस्कस करने लग जाते हैं। फिर मार्गरेट आती है और मार्गरेट बोलती है कि खाना अच्छा नहीं था क्या, इसलिए मुझे बुलाया करके। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम था करके। ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और रिचर्ड भी अपने रास्ते चले जाते हैं। क्या होता है, रिचर्ड कुछ पेपर वगैरह दे देते हैं, तुम यहाँ पर काम करो, वायला भी वहीं पर होती है, और सिर्फ मार्गरेट और रॉबर्ट क्रॉनशॉ अपने कमरे में जाते हैं। तो रॉबर्ट क्रॉनशॉ अपने वाइफ से ये बोलते हैं कि मुझे आज सुबह एक लेटर मिला था, उसमें ये लिखा था कि मुझे 50,000 जो लेट एंटनी क्लिफ्टन है उनका 50,000 मुझे मिलने वाला है, और उस पैसे के लिए मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा करके। तो मार्गरेट बोलती है कि कोई बात नहीं, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो आपकी मर्जी करके। और ये भी बोलती है कि अगर वो पैसे मिल जाएंगे तो आपके अपनी पॉलिटिक करियर में बहुत यूजफुल भी होगा, और हम नई गाड़ी भी, सेकेंड कार भी ले सकते हैं करके। और सेम उनके हस्बैंड भी सोचते हैं। फिर दोनों तय कर देते हैं कि हम लोग आप अपना नाम चेंज करें करके, दोनों तय कर लेते हैं। और ये भी डिस्कस कर लेती है मिस मार्गरेट की, आपका नाम सपोज उर्जुल फिल्मरी होगा तो आपको जो नाम पहले था वो यूज नहीं करना पड़ेगा करके। और ये भी बोलते हैं कि आपको ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है ना मिस्टर रॉबर्ट क्रॉनशॉ और मिस्टर उर्जुल फिल्मरी में करके। तो क्रॉनशॉ बोलता है कि नहीं, मैं जैसे रॉबर्ट क्रॉनशॉ का नाम बनाया वैसे मैं उर्जुल फिल्मरी का भी नाम बना लूंगा करके। फिर एक बार मैं रिचर्ड से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर तय कर लेंगे करके। और एंटनी क्लिफ्टन भी आने वाले हैं, द सॉलिटरी ऑफ क्लिफ्टन, वो भी आने वाले हैं हमें मिलने के लिए, मैं वो नाम ले रहा हूँ कि ना करके। फिर रिचर्ड से मिलने चाहते हैं और रिचर्ड से डिस्कस करते हैं, तो रिचर्ड ये बोलता है कि कोई बात नहीं, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो उस पैसे के लिए। और शेक्सपियर भी यही कहते हैं कि व्हाट्स इन ए नेम करके, नाम में क्या रखा है करके। और क्रॉनशॉ ये बोलते हैं कि हाँ तुमने ठीक बोला, और एक फेमस फैमिली भी है, उनका नाम भी फिल्मरी सी है करके, तो मैं भी अपना नाम चेंज कर लूंगा कोई बात नहीं करके। फिर रिचर्ड बोलता है कि ओके मैं आपको थोड़ा सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा करके। तो रिचर्ड पहले ये सवाल पूछता है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आके आपको 5,000 pounds दे रहे हैं तो क्या आप लेंगे करके। तो रॉबर्ट मना कर देता है, कभी पॉलिटिक्स स्ट्रेंजर से पैसे नहीं लेते करके, अगर वो 10,000 pounds होगा तो भी नहीं लोगे। क्रॉनशॉ बोलता है कि हाँ हम नहीं लेंगे करके। फिर दूसरे सवाल ये पूछते हैं कि अगर कोई मर रहा है, मरते वक्त उनकी जायदाद आपको दे रहे हैं तो क्या आप लेंगे कि नहीं। क्रॉनशॉ बोल रहे कि अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मैं उस इंसान को नीचा दिखाना जैसा हो जाएगा, तो मैं उस जब कोई मर रहा होगा तो उनकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए करके बोलते हैं। फिर थर्ड सवाल ये होता है कि अगर कोई आपको 5,000 pounds दे रहा है और अपनी मॉस्टाइज को लेने के लिए बोल रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक विस्कर रखने के लिए बोल रहे हैं, क्या आप रोगे क्या करके। तो क्रॉनशॉ बोलता है नहीं, मैं नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा करके। फिर तय कर देते हैं कि ओके मैं वो नाम लूंगा करके। फिर क्या होता है, मिस्टर क्लिफ्टन एंटर करते हैं, सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कौन रॉबर्ट सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्लिफ्टन से। और क्लिफ्टन ये बोलता है क्या आप लोग तैयार हो करके। और फिर रिचर्ड जाते जाते रिचर्ड को एक लेटर देते हैं क्लिफ्टन, ये लेटर उसमें लेटर सेम ही लिखा होता है कि लिंकन इन फील्ड यू हैव टू चेंज योर नेम इफ यू वांट द लेट मिस्टर एंटोनीस फंड करके, ये लिखा होता है।
तो रिचर्ड उस पेपर को, उस लेटर को फाड़ के चला जाता है। फिर क्या होता है, क्लिफ्टन और रॉबर्ट ये दोनों ही उस कमरे में होते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। वायला रिचर्ड के पीछे पीछे चले जाते हैं उसे पटाने के लिए कि तुम उस पैसे को ले लो करके। और अभी क्लिफ्टन और रॉबर्ट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्लिफ्टन ये बोलते हैं कि मैं ये मेरा पहला केस है और एंटोनी क्लिफ्टन मेरे अंकल है करके। फिर ये बोलते हैं कि अगर आप रेडी हो अपना नाम चेंज करने के लिए तो कोई बात नहीं करके, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो मैंने और अंकल क्लिफ्टन ने तय किया था, अगर वो जिंदा होते तो बहुत हंसते करके। तो रॉबर्ट क्रॉनशॉ बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो ये सब करके, क्या ये जोक है क्या करके। क्लिफ्टन बोलता है कि नहीं ये जोक नहीं, 50,000 पाउंड रेडी है करके, क्या अपना नाम चेंज करने के लिए रेडी हो। बट ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ किया था, बट किसी ने अपना नाम चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे, बट आप अपना नाम चेंज करने के लिए रेडी हो करके कोई बात नहीं करके चले जाते हैं। अपने साथ जो पेपर लेके आते हैं वो वहीं पर भूल जाते हैं क्लिफ्टन। फिर रिचर्ड एंटर होते हैं, वायला भी एंटर होती है, और वायला ये बोलते हैं कि रिचर्ड पापा रिचर्ड को वो पैसे लेने चाहिए ताकि हम लोग अपनी जिंदगी में खुश रह सके करके। तो तभी वो मैटर बाहर आ जाता है कि ये दोनों प्यार कर रहे हैं। और रिचर्ड ये बोलते हैं कि क्रॉनशॉ और रॉबर्ट ये रिचर्ड ये बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे हमारा प्यार बाहर आ जाएगा करके। फिर क्या होता है कि रॉबर्ट बोलते हैं कि तू वो नाम अपना नाम चेंज कर लो अपनी मैरिड लाइफ अच्छा बनाने के लिए करके। फिर रिचर्ड मान जाता है कि वायला तुम रेडी हो क्या अपना नाम उजू फिमरी बनाने के लिए करके। तो वायला हाँ बोलती है। फिर क्लिफ्टन आता है अपने पेपर ढूंढते ढूंढते, तो क्लिफ्टन ये देखता है कि अपना पेपर जल रहा है, रॉबर्ट ने इरिटेशन से वो पेपर को जला दिया करके। फिर क्या होता है, ये बोलता है कि मैं अपने हायर ऑफिसर को सॉरी बोलना पड़ेगा कि मैं एक केस नहीं कर पाऊंगा करके। तो फिर ये भी सवाल पूछता है कि मिस्टर रिचर्ड क्या आप रेडी हो क्या, तो रिचर्ड हाँ बोलता है। मिस्टर क्रॉनशॉ से भी पूछते हैं, वो भी हाँ बोलते हैं। फिर आप दोनों अपना नाम चेंज के लिए तैयार हो, आपको पैसे मिल जाएंगे करके क्लिफ्टन चला जाता है। जाते जाते अंकल को अपने अंकल को ऊपर देखता है, तो ये बोलता है कि आप यहाँ पर होते तो बहुत मजा आता करके। और फिर रिचर्ड उस क्लिफ्टन को जाते जाते देखते हुए ये सीन खत्म हो जाता है। और भी मजेदार स्टोरी देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी सपोर्ट बहुत जरूर चाहिए, प्लीज यार सपोर्ट कर दो ना यार। थैंक यू।